Mettons tes esquets. Lokpriya av vissa cykler hemma frid. Man är Radhanath Singh Ji aj. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। लखनऊ यद्यपि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम चार वर्ष पूर्ण होने, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी के महत्वपूर्ण पीसी है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वह न्यू इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को, बदलते भारत की इस तस्वीर को यहाँ पर मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों के सामने रखने का कष्ट करें। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मित्र, हमारे सांसद, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, वहीं से सांसद हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ जी पांडे और मेरे प्रेस के मित्रों, वैसे आपने अभी जो अपने सामने प्रेजेंटेशन देखा है, चार वर्षों की मोदी जी के नेतृत्व की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसकी जो उपलब्धियां रही हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई है। मैं बहुत विस्तार में जाकर इन सब सारी उपलब्धियों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पहले भी सरकारों को काम करते हुए देखा है और चार वर्ष से इस समय की जो हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी काम करते हुए आप देख रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि कोई भी चुनी हुई सरकार है उसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए सरकार बनने के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही अपने कामकाज का रिपोर्ट हम लोगों ने जनता के सामने प्रस्तुत किया था, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, अब यह चौथा वर्ष है जब हम अपने कामकाज का रिपोर्ट इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि चार वर्ष जो यह गुजरे हैं यानी 48 महीने जो गुजरे हैं इनको यदि कोई देखे तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि 48 महीनों की हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वह बहुत ही शानदार रही हैं। मैं यह शानदार कह रहा हूं, आप ये कहेंगे कि आपकी सरकार है तो स्वाभाविक है आप अपनी उपलब्धियों को शानदार कहेंगे, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आजादी के बाद बहुत वर्षों तक इस देश की इकोनॉमी की जो हालत है उससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 2% से लेकर 2.5% और मैक्सिमम कभी 3% तक पहुंचती थी, और जो भारत में हमारी इकोनॉमी की जो इतनी स्लो ग्रोथ थी, इतनी धीमी जो विकास हो रहा था उसको सारी दुनिया में लोगों ने कहना यह शुरू कर दिया यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी भारत में किसी भी सूरत में वहां की अर्थव्यवस्था का 2.2%, 2.5% अथवा 3% से अधिक का विकास नहीं हो सकता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे, मुझे कहने में रंच मात्र गुरेज नहीं है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सारे विश्व को भारत के इकोनॉमिक पोटेंशियल से, माने भारत कि अर्थव्यवस्था की विकास की कितनी संभावनाएं हैं, इससे सारे विश्व को परिचित कराने का काम पहली बार किया था, और उनके समय जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 8% तक पहुंची थी। लेकिन उसके बाद और अटल जी के समय एक बात और हुई थी, हमारा भारत पहले दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनके दुनिया की बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत नहीं आता था, यानी टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं आता था।
टॉप 10 इकोनॉमीज में लाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन 4 वर्षों के अंदर ही आर्थिक मोर्चे पर हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज मैं कह सकता हूं बड़े गौरव के साथ कि आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। और मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मुझे यह लगता है कि शायद 2018 और 19 का ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वित्तीय वर्ष होगा, इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह किसी भी देश के लिए कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, यानी हमारे देश की आर्थिक ताकत दिनों दिन मजबूत हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अर्थशास्त्रियों ने भी यह विश्वास व्यक्त किया है कि जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यदि ऐसे ही बढ़ती रही तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो जाए। यह विश्वास अब दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री व्यक्त करने लगे हैं, यानी भारत की आर्थिक ताकत पहले की अपेक्षा काफी तेजी के साथ बढ़ी है। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखें तो मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों यह पूरी तरह से नियंत्रण में है। और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कहूं तो करंट अकाउंट डेफिसिट अब समाप्त हो चुका है, भारत करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका है। हां, इसे मैं स्वीकार करता हूं कि डॉलर और क्रूड ऑयल की कीमतों में जो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है उसके कारण थोड़ा संकट पैदा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट पर कुछ दबाव बढ़ा है। लेकिन इस बात की हमें चिंता नहीं है, क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल बाजार में बढ़ने के बाद जो ये पेट्रोलियम आइटम्स की कीमतें बढ़ी हैं, इनकी कीमतों को कैसे काबू में लाया जा सकता है इसके बारे में भी सरकार इस समय विचार कर रही है, गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, और इसको भी हम नियंत्रित करेंगे। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी, माने करंट अकाउंट डेफिसिट पर क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने के कारण और साथ ही साथ डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण कोई बहुत बड़ा संकट नहीं पैदा हुआ है, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 400 बिलियन डॉलर से अधिक है। इसलिए कोई आर्थिक संकट पैदा होने पाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। भारत के संबंध में एक धारणा और सारे विश्व में बनी है, और केवल धारणा ही नहीं है, यह वास्तविकता है, यह ग्राउंड रियलिटी है। इस समय सारे विश्व में इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन, यदि दुनिया में कोई कंट्री है तो वह भारत है। यह विश्वास और एक भरोसा सारे विश्व के अंदर पैदा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी जल्दी 156 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में होना यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है आपने अपने सामने देखा है कि एक समय था कि 4 साल पहले केवल 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब वो बढ़कर जो है यहां पर 120 मोबाइल फैक्ट्री हो गई। लेकिन मोबाइल का जब मैं नाम लेता हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत में मोबाइल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसका जनक यदि कोई रहा है तो उस शख्सियत का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। मोबाइल क्रांति जो भारत में हुई है उसका जनक यदि कोई रहा है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयम के माध्यम से जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम से एक नई व्यवस्था भारत में बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसका भरपूर लाभ इस समय भारत को मिल रहा है। यह मैं यदि कह रहा हूं कि भरपूर लाभ भारत और भारतवासियों को मिल रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं
कि जो सरकारी सब्सिडी है या सरकारी सब्सिडी सीधे लोगों के पास पहुंच रही है, आंकड़े के रूप में भी देखें तो पहल के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 69,815 करोड़ का कैश ट्रांसफर यह डीबीटी के माध्यम से हो चुका है। केवल सरकारी सब्सिडी की बात कर रहा हूं। 431 जो दूसरी स्कीम्स हैं उसकी जो सारी सुविधाएं जो ट्रांसफर की गई हैं उसके अंतर्गत वह लगभग 3,66,000 करोड़ का है, 3,66,000 करोड़। तो जैम के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच एक नई क्रांति भारत में लाने में कामयाबी हासिल की है। लीकेज की संभावनाएं तो समाप्त हो गई हैं। आप जानते हैं जब कभी भी कोई सुविधा, कोई भी सब्सिडी, कोई भी राहत यदि हम जनता तक बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाते थे तो स्वाभाविक रूप से उसमें कटौती होती थी, कमी आती थी, पूरा का पूरा लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस लीकेज की जो संभावनाएं थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। पूरा का पूरा लाभ अब उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आपने इस प्रेजेंटेशन में भी देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भों में भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी आंकड़े आपके सामने आए हैं, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की जो सरकार रही है उसके जो 4 साल रहे हैं अंतिम 4 साल, और हमारे जो ये प्रारंभ के जो 4 साल रहे हैं इनका भी कंपेरिजन करें तो उनके अंतिम 4 वर्षों में 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे बनती थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 4 वर्षों में लगातार 27 किलोमीटर पर डे इस रेट से जो है हाईवे का निर्माण हो रहा है। और ये हाईवे भी मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, पर हम लोगों ने इतना फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कि एक इकोनॉमिक सर्वे 2017 और 18 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इस सरकार ने बल दिया है और जितना हैवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर यह सरकार कर रही है तो इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2040 आते आते 4 टू 5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, 4-5 ट्रिलियन डॉलर। आज हमारी इकोनॉमी की जो साइज है उस साइज का जस्ट डबल 2040 आते आते इन्वेस्टमेंट यदि कहीं पर होगा तो वह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होगा। वैसे आपने आंकड़े देखे हैं कि और भी हाईवे की दृष्टि से क्या हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय रूरल रोड कनेक्टिविटी। भारत के गांवों का विकास यदि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया था तो उसका सबसे बड़ा कारण था बुनियादी ढांचों का विकास जो गांव में होना चाहिए वह नहीं हो पाया था। और गांव का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां पर बुनियादी ढांचों का विकास न हो, सड़क की व्यवस्था न हो, स्कूल की व्यवस्था न हो, पानी की व्यवस्था न हो, बिजली की व्यवस्था न हो, नहीं हो सकता। हमारी सरकार आने के पहले 56% ऐसे गांव थे जहां पर कि रोड कनेक्टिविटी थी। फिर मैं आपको यहां दिलाना चाहता हूं, रूरल रोड कनेक्टिविटी यानी गांवों को संपर्क मार्ग से सड़क से जोड़ने का सिलसिला भी यदि किसी शख्सियत ने उसमें तेजी लाने का काम किया था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन मोदी जी ने उसको और तेजी से आगे बढ़ाया है। आज के 4 साल पहले केवल 56% रूरल रोड कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वह रूरल रोड कनेक्टिविटी मोर देन 82% पहुंच गई है, यानी 100 में 82 गांव जो है सड़कों से जुड़ गए हैं। इतनी तेजी के साथ यह प्रगति हुई है कि
किसान, क्योंकि मैं भी किसान हूं इसलिए मैं यहां किसानों की चर्चा में करना चाहूंगा और इस मुद्दे पर बराबर पहले भी मैं बोलता रहा हूं। मेरी यह निश्चित धारणा है जब तक इस देश का किसान धनवान नहीं होगा तब तक भारत भी धनवान नहीं हो सकता। और किसानों का कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे और अधिक बढ़ सके इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता है, प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस ओर भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए, अपनी काल्पनिक क्षमता का परिचय देते हुए कहा है कि 2022 2082 आते आते हम 2022 आते आते हम जो है उनकी आमदनी आज जितनी है उसका दोगुना कर देंगे, ये कहा था। अब लोग सवाल ये पूछते हैं कैसे कर देंगे, हम MSP बढ़ाएंगे और सिंचाई की सुविधा बढ़ाएंगे और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को भी हम मिनिमाइज करेंगे, यानी कई ऐसी चीज हैं जिनके माध्यम से इस काम को करेंगे। अब जैसे फर्टिलाइजर की मैं चर्चा करना चाहता हूं, इनपुट कास्ट कम करने की दिशा में जो खाद की कीमत हुई है उससे किसानों का कुछ इनपुट कास्ट कम हुआ है। नीम कोटेड यूरिया यूरिया के लिए पहले किसानों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज देश के किसी भी क्षेत्र से आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी। पहले के कंपैरिजन में कम यूरिया का लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि नीम कोटेड है, इसलिए कम नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करने से भी जो उत्पादन होता है कमोवेश उतना ही होता है। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में किया गया है। पहली बार यह हुआ है, आज तक कभी इतना नहीं हुआ है। अब मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बहुत सारी सौभाग्य योजना यह सब आप लोगों ने देखा है, मैं समझता हूं कि उसका कागजन आपने लिया होगा इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आर्थिक अपराधियों की यहां चर्चा करना चाहता हूं। और मित्रों आप भी सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि हमारी सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। कामकाज में ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, और पूरी तरह से राजनीति के दलदल में कैसे हम बेदाग होकर बाहर निकले जनता की सेवा करते हुए, इसके प्रति जो सजगता चाहिए वो सजगता भी हमारे लोगों ने काफी बरती है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब लोग भक्त के आर्थिक अपराधी बाहर चले जाते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके शासनकाल में नहीं गए थे? लेकिन आपको जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए इन आर्थिक अपराधियों को कि हौसले को पस्त करने के लिए आपने नहीं उठाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो बेनामी प्रॉपर्टी लोग बनाते थे, एक बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट था 28 साल पहले बना था, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन होना चाहिए था यूपीए सरकार ने उसका नोटिफिकेशन नहीं किया, अब जाकर हम लोगों ने उसका नोटिफिकेशन किया है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, यानी जो भगोड़े हैं आर्थिक अपराधी, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति हम केवल यहां ही नहीं जब्त करेंगे विदेशों में भी जब्त करेंगे। इस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था हमारी सरकार ने की।
और सचमुच हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब इस सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? झोपड़ी में रहने वाला भी पहले बीमार हो जाता था, दम तोड़ देता था, 50 और 100 रुपये का भी इलाज नहीं करा पाता था, पर एक ऐसा हेल्थ कवर हमारी गवर्नमेंट ने दिया है कि विश्व के किसी देश ने वैसा हेल्थ कवर नहीं दिया है। आज तक की हिस्ट्री में अपने में उदाहरण है, 5 लाख रुपए तक का, यानी झोपड़ी में भी जो रहता था सड़क के किनारे भी लेता है, यदि हॉस्पिटल डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल में पहुंचेगा। यह बात सच है कि अभी कुछ इस दृष्टि से और कुछ काम हो रहे हैं, और भी कुछ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, वो हो रहा है, तो समय लगेगा उसमें। यानी सड़क के किनारे भी यदि कोई लेटा है, यदि बीमार है, वह गरीब है, हॉस्पिटल में यदि पहुंच गया, हार्ट का पेशेंट है, तो पूरे उसके हार्ट का इलाज होगा। स्टंट लगाना है वह भी लगेगा, मुफ्त लगेगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा हेल्थ कवर अब तक का है। इसलिए 4 वर्षों का यह कार्यकाल हमारी सरकार का कैसा कार्यकाल रहा है मुझे ज्यादा कहने की अब आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बात पर तो बहस हो सकती है कि एक साल में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कम किया, अधिक किया, इस विषय पर बहस हो सकती है, लेकिन इस विषय पर बहस नहीं हो सकती है कि पूरी ईमानदारी के साथ और साफ नियत के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विकास और सुशासन की जमीन तैयार करने की कोशिश की है, और उसमें काफी हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल की। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि मैं भी भारत का गृहमंत्री हूं, मैं जानता हूं अक्सर हम लोगों से सवाल किए जाते हैं कैसा सुरक्षा परिदृश्य है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था के बारे में कोई कह सकता है कि साहब ये परफेक्ट नहीं है, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, कम हुआ, अधिक हुआ, लेकिन इस बात पर बहस नहीं हो सकती है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद गुंडे और बदमाशों के दिल में दहशत पैदा हुई है, यह कामयाबी तो हासिल की है। यह छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यदि यहां के बारे में मैंने चर्चा की है, क्योंकि भारत का गृह मंत्री हूं इसलिए सुरक्षा परिदृश्य जो सारे देश का है उसकी भी मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। मैं कह सकता हूं कि आंतरिक सुरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर होती है, अच्छी कामयाबी हमको हासिल हुई है। यदि मैं कहूंगा कि सुरक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय उल्लेख हुआ है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, उसके हमारे पास आंकड़े हैं, उसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो रही है उससे देश के सुरक्षा के का माहौल काफी हद तक सुधरा है। मैं बहुत ही संक्षेप में 2 मिनट में इस पर मैं अपनी बात में खत्म करूंगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंसर्जेंसी उग्रवाद किस सीमा तक था, हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते थे, अब वहां क्या सुधार हुआ है? इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2017 में 85% और सिक्योरिटी फोर्सेज एवं सिविलियंस की कैजुअलिटीज में 96% की कमी आई है। और मैं कहना चाहता हूं कोई हमारे विरोध पक्ष का इसको चैलेंज करना चाहता तो चैलेंज करे, इसे मैं साबित करूंगा।
85% ये कमी आई है इंसर्जेंसी की घटनाओं में, 85%, और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस की किलिंग में 96% की कमी आई है, 97 से लगातार। और यदि करना चाहेंगे 2014 के पहले का देखना चाहते हैं तो उसमें भी मैं कर सकता हूं। अब सपा का जहां तक सवाल था, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट देश के कई राज्यों में इंपोज रहा है, लेकिन एक बार अफ्सपा इंपोज करने के बाद सामान्यतः उसको सरकारें विड्रॉ नहीं करती, लेकिन यह काम हम लोगों ने किया है। अरुणाचल मेघालय में तो पूरी तरह से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश के भी कई क्षेत्र थे वहां से भी विड्रॉ किया है, पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया है लेकिन उसको भी काफी विड्रॉ किया है। त्रिपुरा के अफ्सपा को वहां की राज्य सरकार ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था। दूसरा संकट, दूसरी बड़ी चुनौती जो गृह मंत्रालय के सामने, वह है माओवादी उग्रवाद, बोलचाल की भाषा में जिसे नक्सलवाद कहते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, वर्ष 2013 में 76 जिलों की तुलना में वर्ष 2018 में घटकर अब यह 58 जिलों तक सीमित रह गया है, 76 जिलों से घटकर 58 जिलों तक सीमित रह गया है। यही नहीं, माओवादी उग्रवाद की घटनाओं में 36.6% और जो डेथ्स हुई हैं, जो मृत्यु हुई है उसमें 55.5% की कमी आई है। मैंने बताया 2013 और 2018, अगर हम अपनी सरकार की चार वर्षों की तुलना पिछले सरकार के चार वर्षों से करें, इस सरकार की चार वर्षों की तुलना पिछली सरकार की चार वर्षों से करें तो न केवल माओवादी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या जो पहले 2,428 थी वह घटकर अब 1,081 रह गई। इतना ही नहीं, हिंसा की घटनाओं में भी काफी कमी दर्ज की गई। चार साल पहले यह 6,524 से घटकर अब 4,136 पर आई है। हिंसा की जो घटनाएं हैं उसमें ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या कर दी, किसी को गोली मार दिया, केवल वही घटनाएं जो दर्द होती हैं, तो घटनाओं में वह सब भी सारी चीजें आ जाती हैं, कोई ट्रांसफार्मर जला दिया, कुछ कर दिया, कहीं गाड़ी जला दी, कहीं कुछ किया, यह सब भी सारी चीजें आ जाती हैं। कश्मीर में भी आतंकवाद का जहां तक सवाल है, 2010 से लेकर 2013 के दौरान 471 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन 2004 से 17 तीन वर्षों के अंदर ही लगभग 619 आतंकवादी मारे गए हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, 2010 से 13 के बीच 471 की तुलना में वर्ष 2014-17 में 619 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए। हाँ, वो भी देख रहे हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, मतलब उसको कोई छिपाने की बात नहीं, जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, वो देखना पड़ेगा पूरा निकाल के मुझे, जवान शहीद हुए हैं इसमें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे चाहे सेना हो तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस बहादुरी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम नहीं। मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करना चाहूंगा यहां पर। मित्रों, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मैंने जो काम हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे नक्सलवादी क्षेत्र हो अथवा उग्रवादी क्षेत्र हो, अपना रोल यह सारी जो CAPF जिसे बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, लगभग 10 लाख की फोर्स है सारे देश भर में,
बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। पहले उनको जब शहीद हो जाते थे तो 50-55 लाख रुपया मिलता था, तो मैंने एक व्यवस्था करी गृहमंत्री बनने के एक साल के बाद कि नहीं, किसी भी सूरत में उन्हें 1 करोड़ से कम की धनराशि नहीं मिलेगी, उससे अधिक की धनराशि मिलेगी उनके परिवार के सदस्यों को। वैसे किसी की जिंदगी को पैसे के आधार पर आंका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो राहत मिलनी चाहिए, इसलिए यह कदम उठाया। एक CCTNS प्रोजेक्ट था, क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, नाम इसका सुना होगा आप लोगों ने, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट CCTNS। इस काम में भी बहुत बड़ी प्रगति आई है और वर्ष 2014 में मात्र 73% पुलिस स्टेशन में यह सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया गया था, वहीं मार्च 2018 तक यह बढ़कर करीब 100% हो गया है। और इसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों ने भी सराहना की है कि इतना बड़ा सिस्टम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग का भारत ने तैयार किया है। आर्म्स रूल्स वगैरह में भी हम लोगों ने काफी उसको लिबरलाइज किया है उसे, और अब आर्म्स बनाने के लिए मेक इन इंडिया के सपने को भी हम लोगों ने साकार किया है, बहुत सारी चीजें चेंज करके। लंबे समय से मैंने भारत को आजादी हासिल हुए लंबा समय गुजर गया, फेंसिंग का काम काफी हुआ है लेकिन बहुत सारा फेंसिंग का काम अभी शेष नहीं बचा। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मैंने संभाली तो मुझे यह बतलाया गया कि सब कहीं पर रिवराइन है, कहीं पर नदी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो सकती है, इसलिए सब वहां पर कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती। तो उस समय मैंने कहा था कि कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत अब राडार लगाए जाएंगे, सेंसर्स होंगे और फ्लड लाइट्स होंगी, और अलग से एक क्राइम एंड कंट्रोल, ये पूरा ये कमांड एंड कंट्रोल रूम होगा, किसी की भी यदि एंट्री होगी तो कमांड एंड कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी मिल जाएगी और हमारी फोर्स एक्टिव हो जाएगी। यह एक मुकम्मल व्यवस्था की है। वीमेन सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो इस समय हमारी भारत सरकार ने किया है कि 12 साल के नीचे के बच्चियों के साथ यदि कोई ऐसी हरकत, नापाक हरकत होती है तो मृत्युदंड, 16 साल के नीचे होती है 20 साल तक का कारावास। ऐसे एक डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यह भी हमारी सरकार के ही अंतर्गत आता है। इसमें भी बहुत ही जबरदस्त खर्च पहले की अपेक्षा हम लोगों ने इसमें बढ़ा दिया है, जो हम राज्य सरकारों को करते हैं। पहले 19,859 रुपया ESDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूट करती थी, 19,000, लगभग 20,000 करोड़ हम कंट्रीब्यूट करते थे, अब हम लोग लगभग 32,000 करोड़ रुपये से अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। देशों में ई वीजा की फैसिलिटी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, ई वीजा की फैसिलिटी 165 देशों में। उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में टूरिस्ट की संख्या पहले से बढ़ गई, लोग अपने स्थान से ही वीजा करा के चले आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वीजा मिल जाता है, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को प्रमोट करना, यह भी हमारे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस काम को भी हम लोग ने काफी अच्छा किया है। सरकारिया कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सरकारिया कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पुंछी कमीशन बना था, और पुंछी कमीशन बने हुए
रिपोर्ट दिए हुए पुंछी कमीशन को 8-9 साल गुजर गए थे, आज तक विचार ही नहीं हुआ था। पहली बार 15 मीटिंग्स करके, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद रहते हैं राज्यों के, अब उसे पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है, उस पर स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी तरह से विचार कर लिया है। अब यह केवल इंटर स्टेट काउंसिल की, जिसमें सारे मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, प्रधानमंत्री उसको हेड करेंगे, उसमें हम इसको पूरी तरह से अनुमोदित कर देंगे। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वर्षों से लंबित था, कोई ना कोई ताकत ऐसी पीछे लगी हुई थी कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ये पारित न होने पाए। एनिमी प्रॉपर्टी के संबंध संशोधन करके सबकी चाल को हम लोगों ने विफल किया है, और 1 लाख से अधिक प्रॉपर्टी, 1 लाख से एक लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति सरकार ने अब उसे अपने कब्जे में ले ली है, पहले यह नहीं था।